आपको फेशियल एसिमेट्री जो है वो सही करानी है। हाँ कब है? 20 को ये महीने इतना नहीं होगा जल्दी ठीक एंगेजमेंट तो मतलब क्या करना है उसमें? कुछ नहीं ज्यादा फोटो उठाने ज्यादा निकलते फिक्स हाँ। होता है वेडिंग नहीं है। वेडिंग कब है? उसके बाद 20 दिन 20 दिन तो वेडिंग के बाद आओ ना इतना तो वेडिंग में रहेगा थोड़ा रहता है थोड़ा रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं वेडिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं आपको उसके बाद मेरा कॉलेज चल रहा है कब कॉलेज कर रहा है कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे वो मैं मास्क लगा के बैठा ठीक है। तो देखो आपका मेन प्रॉब्लम मतलब मेन इश्यू है ना ये जो साइड सिमिलर नहीं है ये बहुत अंदर है और ये बहुत बाहर है तो अंदर है ये थोड़ा बड़ा वो बहुत मोटा है बहुत मोटा है वो सब सही कर सकते हैं। और ये जो अभी देखा ना ये थोड़े छोटा है ये बहुत मोटा है ये छोटा वो एडजस्ट करेंगे। इसके टाइम पहले मैंने सिलिकॉन का बोलते हैं ना हाँ ठीक है जो आप देख रहे हो कुछ नहीं भी नहीं वो मैं फील किया इसीलिए मेरे को पेन था उसका कुछ पेन वगैरह नहीं उसको निकालना पड़ेगा हाँ। वो बहुत मोटा अच्छा नहीं लग रहा और उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं कि आगे नहीं आया मतलब वो आगे कर देंगे आगे आना चाहिए और ये खाली लंबा हो गया है तो मेरे जो लिप्स है ना वो बाहर की साइड वो सही कर देंगे वो पूरा अंदर देना चाहिए ये ऊपर वाला पार्ट और ये वाला तो हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम ये जब अंदर जाएगा ना तो नेक्स्ट टाइम मुझे एनोप्लास्टी करना है तो उस टाइम नोज थोड़ा रोमेंट हो जाएगा तो ये अंदर जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने ये किया है इनविजिबल मैंने लगाया वो रहने दो वो कंटिन्यू करो हम बाकी सब करते हैं आपका ये करेगा निकालेंगे ये करेंगे ये करेंगे जॉ लाइन अच्छा बिल्कुल नहीं दिख रही विजिबल बहुत अच्छा बनाएगा जॉ लाइन आपका जॉ लाइन और ये अंदर जाना चाहिए लिप्स वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा चॉलिंग ऊपर मैक्सिला बोलते हैं ऊपर वाला मैक्सिला में आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है ये बोलते हैं इसको चीक बोन हाँ। या मालार बोन सो मालार बोन में हम रेडी कर सकते हैं इसको मैक्सिला अंदर नहीं जाएगा तो ये नहीं जाता है। रहने दो वो दांत में सही हो जाएगा उसमें नहीं लगाना हाथ अगर अंदर ले जाएंगे तो आपका एज ज़्यादा बढ़ जाएगा अच्छा नहीं लगेगा ये ग्रूव सब होगा यंग नहीं लगोगे ये आपको अभी स्वेलिंग है करना ही है और ये बाहर लेके आएंगे आपका फेस सेट हो जाएगा बाकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी ये सर दांत अंदर जाने के बाद बोन्स भी नहीं जाते ना थोड़े जाते दांत से एक दो मिलीमीटर वो उससे बराबर है इस एंगल से बहुत आगे दिखता है हाँ क्योंकि ये अंदर है ये आगे नहीं है तो राइनोप्लास्टी उसके बाद ब्लास्ट में कराओ 5 महीने के जब भी चाहिए आपका कर सकते आप कुछ जब कुछ चाहिए कर सकते हैं और ये एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ ठीक है कल या परसों सोचेंगे रिजो मणिपुर हमारे मैनेजर से बात करो कल भी हो सकता तो कर लेंगे मेरा फ्रेंड है वो भी बाहर है उसको भी नेक्स्ट टाइम करो ठीक है आपको करते हैं जल्दी से ठीक है आप मैक्सिमम सर अंदर बाहर आएगा बहुत लेके आएंगे इतना बाहर ले जाएगा पक्का एंगुलर श्योर 100% दिखेगा इसके लिए क्या करोगे वो भी सही करेंगे जॉ स्कल्पिंग में हाँ बड़ा हो जाएगा ना थोड़ी ऐसा ये अंदर जाएगा थोड़ा ये सही रहेगा दोनों सेम टू सेम हो जाएगा ये छोटा लगेगा नहीं साइड में बड़ा करना ये एंगल रहते हैं वो यहाँ पे करते हैं हाँ यहाँ पे रहता है लेकिन वो ये ऑपरेशन के साथ नहीं हो पाएगा ये ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी बहुत करना है अंदर जो चिन इम्प्लांट है उसको निकालना है फिर ऑस्टियोटॉमी करके बाहर और नीचे लेके आना है फिर जॉ स्कल्पिंग करना है दोनों फिर चीक कॉन्टोरिंग करना है कितना करोगे अभी इतना बहुत है उसमें हड्डी को शेप करना पड़ेगा यहाँ तक जाना है हाँ बराबर तो टाइम लगेगा ये सब 4-5 घंटा लगता है उससे ज़्यादा मत करना बहुत हो गया ज़रूरत नहीं है नहीं वो करेगा ना वो यहाँ पे अगर आपको स्वेलिंग चाहिए वो जो वो बाद में सेकेंड टाइम नोज के टाइम कर सकते हैं चाहिए तो इसमें नहीं आएगा मेरे ख्याल में आपको ज़रूरत नहीं है पड़ेगा तुम देखो ज़रूरत पड़े आपको चाहिए तो बाद में कर सकते हैं मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगा ठीक है शॉर्ट नोट मॉडरेट डॉर्सल चलिए लड़को आप रिजो के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करो उसके बाद आप
So this was a very challenging case because he had done his silicone chin implant augmentation several years ago, and the chin was really broad even after that. One second. So we removed the chin implant. And we've done the osteotomy. We've done the augmentation. Okay, sir. 1 minute, bas liche se. Right. Right. Up, aise. You can see. So this was the improvement that we've achieved. Look at the chin. It was very too broad and it was retruded. आपने चिन इम्प्लांट कब लगाया? 3 साल पहले. Four years पहले आपने चिन इम्प्लांट लगाया था. Very good. And ये देखिए साइड में अब आपका कैसा लग रहा ऑलरेडी. चिन इम्प्लांट का साइज आपका 1 सेंटीमीटर था. उसको निकालने के बाद क्या होगा? चिन और कम होगा. अब देखो ज्यादा हुआ है लग रहा है. ऐसे देखिए और शेप भी देखो. ये एंगल देखो बढ़ गया. ऑलरेडी आ गया एंगल. ऐसे देखिए अब देखो ऑलरेडी आ रहा है. ये सूजन कम होगा और बढ़िया हो जाएगा. पहले आपको था ही नहीं. ये हाइट का फर्क पड़ रहा है. ये एंगल करेक्ट है. शेप लिप्स अंदर है. सब कुछ असिमेट्रिक चिंता वो भी सही हो गया ना. ये देखो ये साइड कितना इंप्रूवमेंट है देखिए. सो वी हैंडल्ड दिस वाज अ रिवीजन चिन ऑगमेंटेशन. What the chin implant basically does is it puts a material of silicone most often on top of the chin. So what does it do? It takes the contour of the chin. So it brings it forward, but it takes the contour of the chin. What we've done for him now is not that. We have augmented the chin both in the vertical and horizontal dimension, but we've also sculpted it so that it was giving him a three-dimensional change, which is not possible with any chin implant. और आपका चिन का इम्प्लांट पहले बाहर से डाला था ना. सो यू कैन सी अ स्मॉल स्कार आल्सो बिकॉज़ दे यूज अ फाइन इंसिजन इन द सबमेंटल रीजन. एंड दिस टाइम अराउंड आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड द माउथ. द चिन इम्प्लांट वाज डन एल्सवेयर फॉर हिम. वी डिडंट डू इट एंड दैट वाज डन 4 इयर्स अगो. आपको अभी दर्द कितना हो रहा है? दर्द ऑलमोस्ट नहीं है. ऑलमोस्ट नहीं है. पहले दिन जब सर्जरी के बाद था काफी था. थ्रोट में दर्द था थोड़ा सा. ओके. लेकिन मेजर दर्द नहीं था कहीं पे भी. वेरी गुड. वॉज गोइंग ऑन. ठीक है. वेरी गुड. चीक बोन का. हाँ चीक बोन का भी बहुत इम्प्रूवमेंट है. आप देखिए कैसा था पहले. हाँ बहुत वाइड था. छोटा दिख रहा है. अब देखिए आप फोटो में देखो आपको मालूम पड़ जाएगा. ये मतलब फूला. ये अभी थोड़ा कम हो गया. अच्छी तरह से शेव है अंदर से. और कम होगा तो फेस का क्या हो रहा है? हाइट बढ़ाया है. विथ कम किया है. यहाँ से भी विथ कम हुआ है. यहाँ से भी विथ कम हुआ है. तो वैसे दोनों साइड से विथ जब कम होता है तो हाइट भी अपने आप बड़ा लगता है. तो फेस प्रोपोर्शनल हो जाता है. ये जो फेस का हाइट है और ये जो फेस का विथ है 1.68-1.7 पे होना है. अच्छा एस्थेटिक लुक के लिए. पहले देखो कैसा था आपका फेस का शेप. असिमेट्रिक. हाँ वो भी सही हो गया. एसिमेट्री भी सही किए. विथ भी सही किए. सो वी हैव डन व्हाट आई कॉल एज cheek contouring. So what is cheek contouring? Cheek contouring is working on the malar bone, working on the buccal pad of fat, three-dimensionally augmenting the cheek region. This is the cheek region. It comprises of the malar bone, it comprises of the zygomatic arch, it comprises of the lateral orbital wall, comprises of the buccal pad fat and also the soft tissue around it. So when we are augmenting that, when we are altering that, that kind of a procedure, I call it as cheek sculpting, cheek contouring, because it's an overall either improvement or reduction in the bony volume, in the bony contour, or in the soft tissue positioning, or in the fat volume. So in this case, you can see how it was. You can appreciate the improvement. Look at that swelling. The eye looks smaller. We haven't done anything to the eye. Patient himself says, we've done contouring there, we've done work here. The cheek is now in the right place. And this is just day 5. So there's more swelling to happen. There's more swelling to disappear. There's more healing to happen. And so once that happens, he's going to have a much more proportional face. Already it is.
बढ़िया है, ठीक है ना। और ये जो आंख के नीचे देखो वो भी कम हुआ है, जो आपकी ग्रूविंग था, ये जो ग्रूविंग अभी यहाँ थोड़ा करने से, वैसे मैंने ग्रूविंग में कुछ नहीं किया है, किया है चीक में, आंख में नहीं किया है हम आपके लिए, लेकिन इफेक्ट आंख के बीच में भी पहुंच रहा है ना। चलो, तो आप आज निकल रहे हो और रहते हो मुंबई में, वेरी गुड। तो जाके अच्छी तरह से रेस्ट ले लो, बिकॉज रिवीजन जॉ सर्जरी में एक दिक्कत है, दैट इज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हीलिंग के लिए। जहाँ पे आपकी सिलिकॉन था वहाँ पे हमने जो सिलिकॉन निकाला, सिलिकॉन के ऊपर क्या होता है, एक कैप्सूल बन जाता है, कैप्सूल के ऊपर से वास्कुलरिटी थोड़ा कम है, तो हीलिंग के लिए टाइम लगेगा। इसकी वजह से आपको 4 वीक्स जब नॉर्मल पेशेंट्स को बोलते हैं, आप 2-3 हफ्ता एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ेगा। ये पहली बार हुआ है, फटाफट 4 हफ्ते में आपको मतलब एकदम नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे अभी मेरा जो इनविजिबल आला नहीं रहना, वो लगा दो आप, थोड़ा सा पेन होता है, नहीं बैठे, वो बैठेगा, हमने दांत में कुछ किया नहीं, कुछ भी बैठेगा नहीं, वो दर्द हो सकता है बिकॉज दो दिन आप लगाए नहीं, आप लगा दो, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, यू कैन यूज दैट। ओके, टेक केयर, बाय।